अच्छा हम सब यूं आ रहे हैं बादशाह सलामत मोहसिन जानी जी। ये दो टेके का शहंशाह यहाँ क्या कर रहा है? हद-ए-अदब गुस्ताख। इस अजीम और शान बोल मुश्ताक अजीम और शान जी शहंशाह को नस्ल तैमूर की खानदान नस्ल तैमूर हाँ नस्ल तैमूर के अजीम और शान शहंशाह को तो क्या कह रहे थे? दो टके का दो टके का कह रहे हैं? दो टके का शहंशाह दो टके का शहंशाह ओके नस्ल तैमूर के अजीम शान शहंशाह को शहंशाह को नस्ल तैमूर के अजीम शान शहंशाह को दो टके का शहंशाह कह रहे हो? आपको शायद मालूम नहीं आजकल टका भी 2.5 रुपए का हो गया है क्योंकि ये इसी मतीसी से शहंशाह हिंद के खिलाफ बकवास करता है। अब्बा हजूर बत्तीसी क्यों बत्तीसी क्यों बत्तीसी ही क्यों? अब हजूर बत्तीसी ही क्यों? नहीं बत्ती ही सी बत्तीस गिनती है ना बत्तीसी क्यों शहनशाह बत्तीसी ही क्यों शहनशाह दुश्मनानु दंदिया वर्णिया ने मुश्ताक तुम हमारी फैमिली अफेयर मिनट में अपनी पोलियो जिदा टांग मत राओ अफेयरमेंट में अफेयर्स में ओके अफेयर्स पेपर में हाँ जी गुस्ताख तुम हमारे फैमिली अफेयर्स में पोलियो जिदा टांग मत राओ टांग काट दी जाएगी बार्निंग वॉक का शेड्यूल तश्त अजबा मत हमारा मॉर्निंग वॉक का शेड्यूल तश्त अजबाम मत करो तश्त अजबाम मत करो नवाब अजबाम नवाब हमारी मॉर्निंग वॉक का तशम शेड्यूल अच्छी गल है तश्त अजबाम तश्त तश्त अजबाम के माने नहीं मालूमगा इसको तश्त अजबाम तश्त अजबाम हमारा मॉर्निंग वॉक का शेड्यूल तश्त अजबाम ना अजबाम मत करो नवाब हमारी मॉर्निंग वॉक का शेड्यूल तश्त अजबाम ना करो सदके जाऊं आप अरे क्या बात है बादशाह बादशाह का पता है तुम्हें ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया इसने कौन सा 9 मिनट रह गया पानी के अंदर 1 मिनट और रहता ना मर जाता रुका नहीं मनुष्य गरीब आदमी की जनता को आदमी आदमी और जनता अलग है क्या गरीब आवाम की गरीब जनता की इकॉनमी रफू करने का ख्याल गरीब जनता की अद-ए-अदब बीगो पर बैठ कर अद-ए-अदब बोल बे अदब बीगो पर बैठ कर गरीब जनता की इकॉनमी रफू करने का ख्याल बोल बे अद-ए-अदब बीगो पर बैठ कर गरीब आदमी की यार गरीब जनता की जानू बीगो पर बैठ कर गरीब जनता की इकॉनमी को रफू करने का ख्याल अद-ए-अदब बीगो पर बैठ कर गरीब आदमी की रफू करने का ख्याल दिल में आया रफू करने का ख्याल इसीलिए हमने इसे मम्मी ने चाय पे बुलाया इकॉनमी इकॉनमी रफू करने का ख्याल तेरे बीगो बदन की खुशबू से अद-ए-अदब बीगो पर बैठ कर गरीब जनता की इकॉनमी रफू करने का ख्याल यार फिट है इजी इजी बॉय तेरा इजी शाबाश अद-ए-अदब बीगो पर बैठकर गरीब जनता की इकॉनमी रफू करने का ख्याल शाबाश
रुक जाइए, कासम के अब्बा के दिमाग में आया ना इसहाक डार के, ना तो कासम के अब्बा के ख्याल, उनका अपना अपना कैमरा बदल, ना तो कासम के अब्बा के जहन में ख्याल आया और ना ही इसहाक डार के। मार गए अज ओपनिंग च मोहसिन सलामत अली जी हुजूर, नदीम सलामत अली को जिंदान में कैद किया जाए। मेरा मतलब है प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। जी 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 हुजूर, पाजी मैं फुले बेचना नहीं तेरो पाजी, पैसे हाथ च रखो मैं। सॉरी सॉरी मोहसिन, ये साबित हुआ कि नसीरुद्दीन हुमायूं का नहीं लकी डियर का बच्चा है। सर जैसे कवाली दरबार और उर्स से निकलकर ढाबे और शादियों तक आन पहुंची है, हुसैन तो है लेकिन इस रश में कुछ कच्चे और अनाड़ी कवाल जो हैं वो भी हाथ साफ कर रहे हैं, तो उनका क्रैकडाउन कौन करेगा सर? कवाल दरगाहों का है और दरगाहों पे ऐसे ही कह दिया जाता है, सूफी अकराम कह देते हैं कि जरा फारसी अमीर मिनाई साहब का कलाम सुनाएं। जी हाँ जी हाँ, अब इलामा इकबाल साहब की फ्लांची वो तो नहीं गाई जाएगी बिल्कुल, क्योंकि 10 कलामों से बढ़ के जो बहुत ज्यादा कवाली कर रहे हैं, मैं 10 तो थोड़े जो बता देना, मतलब मैं आई वीक कह देना, वो थोड़ा जा गौर कीती होएगी उन्होंने, लेकिन नॉट मोर देन दीज ऑल आइटम्स। नहीं, हम उनकी रोजी पे और उनके काम पे कोई एतराज नहीं कर, वो तो मालिक की तरफ से है, लेकिन जब आप रोजी तक नौबत आ गई है तो उस पे थोड़ी सी मेहनत कर। यस उस्ताद नुसरत अली खान साहब सदियों की रोटियां दे गए हैं कवालों को, सदियों की बात की आपने, खान साहब के लिए तालियां होनी चाहिए। मेरा एक वाक्य जो मैं छोटा सा कोट करूंगा, बिकॉज आपके जो रूहे रवां हैं आपके शो के ताहिर भाई, जी जी, ताहिर सर वबीर साहब और मैं, यानी हमने वो वक्त देखा है उस्ताद नुसरत अली खान साहब के साथ, व्हेन ए आर रहमान साहब पाकिस्तान आते हैं तो मैं और ताहिर भाई वहां पे पहुंचे थे। क्या बात है। उनको सारी रात हमने काम करते देखा, ए आर रहमान साहब को बहुत बड़ी शख्सियत, लेकिन उनको पूजते ही देखा है उस्ताद नुसरत अली खान साहब को, बस इतना कहना। नदीम सलामत आप हमारा फख्र है। थैंक यू। नसीरुद्दीन हुमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर, हमारे पुरखों ने भी हमें आचोप रागनी और राग सिखाए। अच्छा कौन से? वे मैं तेरे केड़े दी मच्छियां हथ पाकित भर मेन सजना वे चरनन 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 शीशे सबजन ओके लहराए सजन मुझे नोट दिखा बेदर्द न बन। नहीं 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 नहीं, मैं तेरे किरे दी मच्छियां हथ पाकित भर में सजनाए चरनन 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 चरनन। ये बादशाह मिट्टी में भी खेलता है। सब हमने देखा है कि अक्सर कव्वाली की महफिलों में रिंदान जो हैं वो अंधाधुंध नोट निछावर कर रहे होते हैं, क्या इन रिंदों को या उस मखसूस कैफियत को इसलिए मौजूए कव्वाली बनाया जाता है कि छट्टे ज्यादा लगे? मैं ये कहूंगा जी कि दरगाहों पे अगर आप शौरा की बात करें तो सारे रिंद थे, आज इस दौर में क्योंकि मेरे अपने सारे शौरा और जो समा का एक निज़ाम है, दरगाही निज़ाम जो है उसमें रिक्कत का होना, जैसे आप कह देते हैं मस्त नज़रों से अल्लाह बचाए, अब हमारा वहाँ पे शादियों पे कोई और थीसिस ले जाते हैं हम अपने आप को, जी जी जी, और दरगाहों पे जो दरगाह का वारिस बैठा होता है हम उसको देख रहे होते हैं, जो औलिया कराम ने एक कवाली को दिया है, तो वहाँ पे रिंद होना, वो मस्त हो जाना, वो मस्ती में ही पैसे आ रहे होते हैं, उसमें कोई वो नहीं होता जैसे शादियों पे होता है। शादियों पे मैं आपको देख रहा हूँ आपने कितने दिए हैं। तो मैंने भी देने हैं क्योंकि मैं बड़ी गाड़ी पे आया हूँ, आई एम वेल ऑफ, तो ये बस।
टर्मिनेटर है और तुम्हारी बहन बायोमैनिक है। यस वेलकम टू पब्लिक डिमांड। क्या नहीं पता बायोमेट्रिक ये क्या बोल रहा है भाई बायोमैनिक वुमन है जी। मुंह मच्छर की मुंह मच्छर कॉलोनी से के सबसे बड़े मच्छर जैसा और बातें लंदन मुंह मच्छर कॉलोनी के बड़े मच्छर जैसा और बातें हॉलीवुड वाली। ओ चौधरी मोहसिन चौधरी कैमरा ने साइंस फिक्शन फिल्म बनाई है। साइंस फिक्शन फिल्म की बनाई है चौधरी कैमरा साइंस फिक्शन फिल्म बनाई है ऐसे तो आधे को तेरी फिक्र है वो साहब ना छजना भाई चौधरी मोहसिन जनाब भाई चौधरी कैमरा ने साइंस फिक्शन फिल्म बनाई है चौधरी द वे ऑफ वाटर द वे ऑफ वाटर भाई उसमें जमाली अमेंडमेंट करना चाहता हूँ जमालियाती The way of water. Oh, भाई इसमें जमाली जमालियात जमालियाती amendments जमालियात सुन The way of water. आए हाय भाई उसमें जमालियाती amendments करना चाहता हूँ। amendments ही कहते हैं चौधरी yes. पहला चौधरी जिसके खेतों में ठुमके वाले फसल उगते हैं ठुमके वाली फसल उगते हैं ठुमके वाली फसल उगते हैं इसके हाँ जी बिना बोले ना अच्छा ये पहला चौधरी जिसके खेतों में ठुमकों वाली फसलें उगती हैं चौधरी टर्मिनेटर साहब ये तो जिस पहली च नचदा उत्थे काग नहीं उगदा बल्कि सियाने दी मिसाल है ना जो बजे ओही वड बल्कि सियाने दी मिसाल है ना जो बीजे ओही वडन वो सारा बीजे उगदे नहीं उन्हें दी तुसी तां चौधरी टर्मिनेटर साहब चौधरी जिस पहली च नचदा उत्थे काग नहीं उगदा और बात है जिस खेत में ये नाचता है ना वहां से पांच साल तक पिसा हुआ आटा निकलता है बिल्कुल जिन्ने गंजे गंजे फिरन दे ना ताडे शहर च सारे दे सिर ते है नचे है भाई मैं गाना जियोलॉजिस्ट जनाना था हां जी मेरा मतलब ये बड़ा छेड़दा गाना जियोलॉजिस्ट ये वो बोल ले पूरे लाइन बोल उसके बाद बोलूंगा मोटिवेशन आप बोले चमड़े दी बिल्ली तू अगर मेरी फिल्म में होता ना मैं तुझे उस भट्टी में फेंकवाता तू अगर मेरी फिल्म में होता मैं तुझे उस भट्टी में फेंकता जिसमें मैंने टर्मिनेटर 2 को फेंकवाया था। अच्छा इमोशन देखे बैठे लाहौर हैं और फैसले बंबई के कर रहे हैं इसे कहते हैं खुदा का घर है साफ का मंदिर है भगवान वाह और दही शहरी शहजादा
चिकट पुड़े गए ना मुंडा ते लग गया। अच्छा जी, ये उस्ताद ताफो खान साहब की धुन है और बहुत बढ़िया गलत जवाब। आप लग अच्छा है गादरी, मैं समझ नहीं आनी हूं मैं तुम लग अच्छा गादरी क्या है? ये ओमान कैच करता है? नहीं, ये सिर्फ रोमान कैच करता है। आए आए कमाल करते हो यार, बहुत से अपनी रोमान को संभाल के बात करो। बात यह है, मैं इसे जानता हूँ, ये अपनी जागीर में रोमान अरेंज करवाता है और उसका सहूलत कार कहलवाता है। वाह, और मोरमेत है। हाँ। पहली बार जब मुझे लॉन्च किया गया तब मुझे गलत कहा गया। ओह ओके। दूसरी बार मुझे हीरो बनाकर लॉन्च किया। वाह। और तीसरी बार मुझे मसीहा बनाकर। भाई वाह, क्या बात है। चौथी बार मेरे पास सब कुछ है, आवाम है, लोग हैं, लेकिन मैं अंदर हूँ। मेरे पास पब्लिक है, उनका प्यार है, उनकी चाहत है, उनकी मोहब्बत है। मेरे पास टिकटॉक है, व्लॉग है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास पब्लिक डिमांड है और कुछ अधूरे प्रोजेक्ट है। हाँ। नहीं, एक चीज भूल गए तुम, पुराना गद्दा भी है तुम्हारे पास। ये इतने जोर से हंसता है, इसका कौवा इधर उधर हो रहा था। मेरी बात सुने, आप राजों से पर्दा मत उठाएं, असल बताएं आप हैं कौन? मैं हूं नरमी नेटर, बताया ना यार। हाँ हाँ ओके। हाँ। आप पे गुमान किसी और का होने लगा था मुझे। छोड़ दो इन बातों को, वरना मैं अभी पिसिंग पिसिंग कर रहा हूँ। असल भाई, पानी नलकों में तो नहीं आ रहा। जी जी। तो आप बाल्टियां कैसे भरते हैं? सूदी भरते मैडम संगीता दी फिल्मा दे गाने लाके। मोहसन भाई, मैडम संगीता ने ते सूदी भट साहब ने फिल्मा च इन्नी कु बारिश ले आंदी है, कई प्रोड्यूसर रुड़ गए ने। मोहसन भाई, हाँ जी, सूदी भट साहब ते मैडम संगीता ने जिहड़ियां हीरवना उदों भोईयां सन ना, ओह अजे तक नहीं जे सुकियां। बल्कि उन्हां नूं अजे भी कांबा चढ़िया है और गांदियां फिरदियां। ਨੇੜੇ ਆ ਲਾਲ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਠਰ ਗਈ ਆ ਆ ਆ ਮੈਂ ਠਰ ਗਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਚੌਂਕੇ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੈਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं क्या बन्निया बन्निया किधर कोड़ा ना हो जाए। हसन भाई, कुछ भी कर लो, वो चौधरानी लो बात नहीं आएगी आप। अच्छा, इन थले रखो, पता नहीं लगता टर्मिनेटर केड़ा है। सर, हमजा अली अब्बासी बतौर नूरी नत या फिर अल्लू अर्जुन बतौर पुष्पा? तेरी झलक शर्फी श्री बल्ली नैना चक बर्फी, तेरी झलक शर्फी। ऐसे को जुती लंदा टोकन तो ले लंदा। अच्छा, मैं ना एक बात की वजाहत करूं और उसके बाद मैं यही एक्चुअली ये होता है कि बाज़ दफ़ा एक्टर जो होता है ना, वो उसके साथ राइटर नज़र आ रहा होता है, बहुत सारी टेक्निकल सिलसिले नज़र आ रहे होते हैं, डायरेक्टर नज़र आ रहा होता है, तो वो सब कुछ लेके उस कैरेक्टर को चल रहे होते बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि मुनव्वर ज़रीफ़ साहब का मैंने कहा, मुनव्वर ज़रीफ़ साहब एक ऐसे एक्टर थे कि जिसमें डायरेक्टर, राइटर, कैमरामैन और जितनी टेक्निकल सहूलियात हैं ये पीछे रह जाती थी, वो अकेला आगे रह जाता था। क्या बात है। तो पुष्पा जो है ना, वो वाला वो फिल्म मैंने देखी है, बहुत खूबसूरत फिल्म है। उसके साथ सारी टेक्निकल सिलसिले, उसका सब्जेक्ट और दीगर जो भी वो सब कुछ ने पुष्पा बनाया। हमजा अब्बासी एक्टर बीच में वो खुद करेक्टर को लेकर निकला है, तो इसलिए मेरा ख्याल है हमजा अब्बासी ने बहुत। सर, अपनी जिंदगी में कौन सा गीत आपने ज्यादा सुना? बहारों फूल बरसाओ, या फिर तेरे भीगे बदन की खुशबू से। हाय, की मैच पुआया जे मोहम्मद रफी साहब और मेहंदी हसन साहब। लेकिन मैं की करा, जिन्हां नाल तुसी कंपीटीशन कर रहे हो ना, वो दुनिया कह रही है कि इन्हां दे गले च भगवान बोल मेहंदी हसन साहब। और बीबीसी के एक सर्वे के मुताबिक एशिया और जहां जहां पर भी उर्दू सुनी और समझी जाती है, वहां पर बहारो फूल बरसाओ ये गीत नंबर वन पर है। वाह, सुना वो ज्यादा गया, देखा ये गया तेरे भीगे बदन। लाला सुधीर साहब के लिए उमर भाई क्या करते थे? क्या? कि वो जब डायरेक्ट बोलते थे ना, यारी मेरी पैर का दुपट्टा वापिस कर, बहन भले रख ले। और बहन भी इंजी दी हुंदी सी, बहन नूं दुपट्टा सोहणा हुंदा है।
बहरहाल ये एक ही फिल्म में ना माँ पुत्र फिल्म थी उनकी, उसमें उन्होंने ये बड़ा हैवी सीक्वेंस था जिसमें ये जुमला बोला था, लेकिन पॉपुलर इतना हुआ कि लगा कि शायद हर फिल्म में बोले। और दुपट्टे की वाकई उस दौर में इस तरह ही अहमियत होती और इज्जत थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात, मर्द दे मोढ़े दी चादर और दी भैन दे सिर दा मां दे सिर दा, तुसी ते पहचान वास्ते मोढ़े ते रखदे हो ना, नाल शीशी आखर का रहे हो, शीशियां ना पाई हैं, मैं कह तो चादर बेच दे गई है। अच्छा तो वड्डी साली जिहड़ी तुहाडी मूंह काला करा गई सी वापस आ गई। दरअसल पर्दे सिमी से निकल कर वो जलवा कर रहे हैं। नहीं असल में ये अभी नेगेटिव है, अभी धुलने के बाद सही हो जाएगी। अगला गीत पंजाबी गीत है, ठीक है। अब मेरी पंजाबी बहुत बुरी है सर, आप कोई मसले रख रहे हो तो सर हैंडल करेंगे। नहीं, ऐसी ख्वाब चो निकल के ख्वाब चाह रहे हैं। तेरे जे महबूब ते हीरे मिलदे मुश्किल नाल, ओए होए आए हे। ए गाना ते मैडम नूरजहां साहिबा ने जो गए सर ना इंडिया जी जी, ते दिलीप कुमार साहब ने सुनाया सी। अरे वाह। और उन्होंने कहा सी के यूसुफ साहब ए वेखो नवे सितारे ते नवीं छवियां आए आए। अजीम कादरी साहब की लिख रहे ने, तेरे जे महबूब ते हीरे मिलदे मुश्किल ना, मेरे वेख नसीब के मेनू राह विच लब गया लाल। ऐसे प्लीज रा मैडम वाला आदानिया खैरा हो जान। सॉरी ये तेरे जे महबूब ते हीरे मिलदे मुश्किल ना, तेरे जे महबूब ते हीरे मिलदे मुश्किल ना, मेरे बेख नसीब के मैनू राचो लब गया ला, ओ मेरे बेख नसीब के मैनू राचो लब गया ला। प्यार मैं करा प्यार तू करे, बिन तेरे दिन मेरा नहीं हूं लंघना, हबे वे जा जाया जितो मैं तेरी तू मेरा सजना, वे जाया जितो मैं तेरी तू मेरा सजना, वे बेचा जाया जितो मैं तेरी। उन्होंने तरक्की कर ली है, आजकल शाजिया खुश के पीछे ताली बजाते हैं। शाजिया खुश की फुफी भी है शो चाहिए, राधिया खुश की। उसने गाया था दाने पे दाना, उसने गाया फोड़े पे फोड़ा। खुशकी क्या गली, खुशकी नहीं सिकरी खुशकी। ओए आज लाया नहीं सर। सर 5,000 सर इसको पड़ गया सर, शहरी को 5,000 पड़ गया सर, हो गया नहीं $5,000 पाओ चौधरी साहब। राय साहब फरमा रहे हैं $5,000 डाले इसको तो अशनाई कोलो फैज किसे ना पाया, किक्कर ते कुकड़ कुकड़, यही तो पंच लाइन है, किक्कर ते कुकड़ करते अंगूर चढ़ाया। हाँ। पूरा शेर दोबारा दे दे क्योंकि ये ब्रेक का लाफ्टर है। ओके हर जुक हर ओए हर गुच्छा जख्माया शाह, चल दोबारा। नीचा दी शनाई कोलो फैज किसे ना पाया, वाह कुकड़ ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। ये कट्टों को सिखाता है इन स्विंग टक्कर क्या होती है, आउट स्विंग आउट टक्कर स्विंग क्या होती है। माय गॉड बाबा, ये कट्टों को सिखाता है इन स्विंग टक्कर क्या होती है, आउट स्विंग टक्कर क्या होती है, और गुगली टक्कर क्या होती है, और गुगली टक्कर क्या होती है। अदानी ने अपना कुकड़ चालू करके चिंपैंजी बना ले, अच्छा इन्हें अपना सखा फुफड़ रंग करवा के ते चिंपैंजी की जगह दे भेज दिता।
वाले कम ना होंगे। तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। सीधा कह दो, करप्शन करने वाले कम ना होंगे मगर तेरी जिंदगी में हम ना हो। पढ़ते सही कम। मैं नहीं अभी पढ़ा। करप्शन करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। करप्शन करने वाले कम ना होंगे मगर तेरी तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। मगर तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। मगर नहीं। कभी ये भी आपके साथ प्रोग्राम में हुआ है कि मेहमान हो तीन और चाय दो हो? यार चौधरी इनको चाय पिला दे प्लीज। लगता है चौधरी तो फांसी होगी, पकड़ा कल ही कल अब सच्ची मुच्ची होगी, सिर्फ वो रहेंगे। चौधरी निशानी बच गई। लव की क्या कहिए, पुराना है नाजमीर मर गया पुराना। कहती है पुराना है, मैंने कहा मीर मर गया पुरानी शीर और पुराना ही होना। इकबाल होता तो सुना देती इकबाल का। बस कर दे बाबा चौधरी, तेरे वर्गे चौधरी दी पाल तू कुकड़ अख कट देंदा है। पंजाबी में कहां से आ गए आप, डायरेक्टर में तो रहे। कह रहा राय साहब सरदार मिजान, कह रहा राय साहब सरदार कितना कोजा लग रही। हां ओन पा ना। हां ओके चलते में। ओहो कह रहा राय साहब नु सुनाना रे। ओ उमर यूब साहब के दादा ही तो खुद सदर भी थे, फील्ड मार्शल भी थे। फील्ड मार्शल नहीं, पहले फील्ड मार्शल थे, सलूट है, सलूट है। सदर भी थे सदर और भी ये जमहूरियत के चैंपियन बने। उन्होंने याद हो गया भाई। उमर अयूब साहब के जो दादा जी थे वो क्या थे? फील्ड मार्शल। दफाई करो भाई, वाकई सही कह रहे राय साहब। उमर अयूब साहब के बाद सही कह रहे आप। टाका सर, दुनिया में पानी कम हो रहा है और पाकिस्तान और बिलखसूस लाहौर में तो बहुत ही सर नीचे जा चुका है, काफी फुट नीचे जा चुका है, काफी खोदना पड़ता है अब तो। सर सुनते आए हैं कि अगली जंगें जो हैं वो पानी पर होने वाली हैं दुनिया भर में, कहते मल्लियां चीना शुरू हो जाए। सर ये बड़ा सीरियस इश्यू है जो आप बात कर रहे हैं और ये बिल्कुल फैक्ट है कि पूरी दुनिया में देखिए ना, आज से 20-25 साल पहले लोग हमें कहते थे जी सऊदी अरब में पानी लोग खरीद के पीते हैं, तो हम कहते थे ये कैसे पॉसिबल है। अब तो देखें नलका हुआ या नल हुआ या टूटी जहाँ से मर्जी निकाल लें, और अब देखिए मजदूर के हाथ में भी आप बोतल देखते हैं और अच्छी खासी उसकी प्राइस है, 35-40-50 की इतनी सी छोटी सी बोतल है, और क्वालिटी को छोड़ दें तो उसका एक ही तरीकाकार है कि हम पानी को इंसान बन के इसको इस्तेमाल करें। अभी भी देखें ना, हमारे पानी के मीटर तक को नहीं लगे हुए, जितना मर्जी इस्तेमाल करें, लॉन्स हैं, गाड़ियाँ धुल रही हैं, नहरी पानी हम ज़ाया करते हैं। मैं सेक्टर इरीगेशन भी रहा हूँ, हमारा कोई $2 अरब से ज्यादा पानी जो है वो हर साल समुद्र में हम जाया कर देते हैं। खैर आए साहब, पानी तो अब माँ बाप की उम्मीद पर ही मिलता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं चौधरी जी, तुम्हारे माँ बाप की उम्मीदें पूरे बरे सगीर को सराब कर सकती हैं। अ लेजेंड कुमार, ओ मेरे माँ बाप दी उम्मीदा ने कोई सराब नहीं है। यहो जिहा वड्डा सर्जन डॉक्टर हुंदा है, बाहर निकलते ही अगले बंदे नूं कहिंदा है आई एम सॉरी। अरे क्या कह रहा है बाबा चौधरी, ऐसा डॉक्टर तो टीके की सुई के साथ कमीज भी सी लेता है। आपके साथ कभी ऐसा हसीन इत्तेफाक हुआ कि आपको डाकू मिल गए हो, चोर मिल गए हो, कैमरा ले गए, माइक ले गए, लेकिन करप्ट नहीं थे वो? या दैट हैपेंस, और हमें अभी तक समझ नहीं आया कि वो डाकू थे, करप्ट थे कि कौन थे। बाबा साई बाजी तीनों कैंची के घर डाकू आए तो खुशी से इसने आलू शोरबा पका लिया कि मैंने कभी डाकू नहीं देखे। तो कोई आम डाकू नहीं सन, स्टार डाकू सन। स्टार डाकू? हाँ, तो और की डाकू स्टार नहीं होंगे, उन्होंने एक डाकू की शक्ल फवाद खान ते एक दी हमजा बासी ना मिलती सी। ओ अरे बाबा, तेरे घर डाकू आए थे या अब्दुल्ला काडवानी की कास्ट आई थी? होली बोल हां, मैं इत्थे बैठी। अरे मोहसन बाबा, इसकी हरकतों से इसको पहले दिन तलाक हुई, पहली सलामी मिली अपने खावत को सिगड़ लेने भेज दिया। सानू टेंशन नहीं होती, मेरी तलाक मेरी मर्जी। अरे बाबा, बदनसीब दुल्हन है ये, नई डोली में बिठाया फौरन उसको घुन लग गया। तलाक दीते शर्रा पव्वा ही। और इसको बाबा इतनी तलाके होती हैं, ये तो सोई हुई उठ के बैठे तो तलाक हो जाती है। इन्हें बिजली दे बिलां टंगियां ने तलाक। अरे ये चाय में टी बैग नहीं, तलाक भगो के पीती है।
नशा बढ़ता है तलाके जो तलाकों में मिले। अरे बाबा, ऐसी औरत अपने ससुर के इश्क में जहर पी लेती है। तेरे वर्गा बंदा जो हुंदा हुंदा किसे काम दा नहीं। सर, हम जिस 60% यूथ पे इतराते हैं कि हमारे पास 60% यूथ की पॉपुलेशन है, सर अगर उसको सही गाइडलाइन ना मिली, मवाके ना मिले, हौसला अफजाई ना मिली, तो सूरत हाल क्या हो सकती है? सूरत हाल बहुत तबाहकुन होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मैं गिलगित बल्तिस्तान में मेरी पोस्टिंग रही है, वहां पे जो आता है ना फ्लड, रोत को ही कहते हैं, ऐसे बहुत तेज फ्लड आता है ना पहाड़ों से जब आता है। लेकिन आप चाहें तो उस पानी को इस्तेमाल करके डैम बनाएं, आप उससे बिजली भी पैदा करें, आप उससे ज़रात के काम भी लें, आप पीने के पानी 10,000 काम लें। अगर आप बंद नहीं बांधेंगे और डैम नहीं बनाएंगे तो वो आपकी हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख देगा। बिल्कुल यही यूथ का है कि यूथ के अंदर है एनर्जी। अब चौधरी साहब को देखें, ये फुल ऑफ एनर्जी माशाल्लाह। जी, माशाल्लाह। अच्छा, अब अगर ये एनर्जी चैनलाइज हम ना कर सके तो ये तो अकेले मुल्क को तबाह कर जाएंगे। यस सर। साहिब नजर आदमी है, उन्होंने खुद परख लिया आपको। राय साहब, मैं चौधरी बुलंद बख्त हूँ, कोई हजार बाबा नहीं। नहीं नहीं, हम तो मानते हैं इस बात को। ये होती है आइडियोलॉजिकल बातें। उठ के चौधरी मोहसिन, राय साहब को मिलकर दिल की परतें खुल रही है। ओए होए। वंस अपॉन अ टाइम मुझ पर भी एक दफा करप्शन का इल्जाम लगा था। अफसर मुझे पकड़ने आया और मैंने बड़ी अदा से कहा, क्या करप्शन करने वाले कम ना होंगे आए हाय तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। और यू मामला प्ली बैरगिन के साथ रफा दफा हो गया। लेकिन ऐश्वरी रफा दफा नहीं होना, आपने कन्फेशन कर लिया है, वो गधे और जेबरे वाला, आप गए जेल में। आखिरी गुनाह में आप चौधरी मोहसिन, राय साहब की दोस्ती भी पैड़ी ते इन्हें नाल प्रोग्राम भी करना पैना। करप्ट लोगों का नहीं, उधर मुलाकात रहेगी आपसे इंशाल्लाह। चौधरी जानी, मेरी दुआ है ये कि तुम पर करप्शन का इल्जाम साबित हो और वेन्यू सऊदिया हो। जे तेनू माफी मिलन लगे ना ते एन टाइम ते तेरी जेब दे विचो हीरवन बरामद हो जाए। बाबा तुम चाहते हो चौधरी सिंगल पीस वापस ना आए। भाई साहब, आपने सेक्टरी एजुकेशन के फराइज भी सर अंजाम दिए। सर, हमारा एजुकेशन सिस्टम एथिकली ग्रूम्ड जनरेशन क्यों पैदा नहीं कर पा रहा सर? अच्छा, ये इसलिए पैदा नहीं कर रहा कि इसका सिलेबस ही गलत है। मैं जब था ना MD पंजाब टेक्सट बुक बोर्ड, तो मैंने 100 किताबों पर लगा दी पाबंदी। और ये इंसानी तारीख में एक ही वाक्य हुआ, ओनली वन। अब देखिए जो सब कितने गौर से ये बात सुन रहे हैं, शौक है ना पढ़ाई लिखाई ना, ये होती है इंटरेस्ट। अब चाय से उनकी तवज्जो इधर हो गई है। जी सर। अच्छा, मैं कभी आप हो गई हूँ। अच्छा, उसमें देखिए कुरान पाक की आयतें गलत, हदीसें गलत। एक वो तलीजो की कहानी थी, उसमें पूरा उन्होंने पाल की और पूजा कैसे करनी और बुत कैसे होते हैं, लेस्बियन कल्चर और स्ट्रिप ऑफ। अच्छा, सर सैयद अहमद खान के बारे में लिखा हुआ था, उनकी डेथ हुई आपको पता है 1898 में, किताब में लिखा हुआ था कि 1932 में यानी मरने के 34 साल के बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी शुरू कर ली। अच्छा, अलामा इकबाल के बारे में गलत, कायदे आजम के बारे में गलत, पाकिस्तान के सूबे तक गलत। लेकिन जब ये सारा कुछ किताबों के अंदर आपका सिलेबस होगा तो उसी तरह की नस्ल तैयार होगी। अच्छा रिमोसन, कभी मेरी जगीर पे आके देखो, अमीर और गरीब का बच्चा एक ही घाट पे पानी पीते हैं। मतलब मेरा मतलब है एक ही टाट पर पड़ते। अच्छा, ओ एक ही टाट पे इकट्ठे हो गए कैंची और नवाब, ना कोई मोहसिन रहा ना कोई चौधरी बेमराद। सच याद है, आज फ्रूट टाट खान चलिए। फटकार हो ऐसी जागीर पे जो बच्चों को बेंच भी नहीं दे सकी। चौधरी लेजेंड कमियार है, और बेंच में इसलिए नहीं देता क्योंकि बेंच एंड टाइम पे टूट जाता है। वाह चौधरी, पॉलिटिकल सटायर है। वैसे चौधरी साहब, आप ना बेंचमैन सिस्टर्स के गाने सुना करें। चौधरी अपनी जगीर में बड़े फलाई काम करता है बाबा। जैसे के मज्जो के सिर से जुए निकाल कर लीखे डाल देता है। आए, आए। आ, कुछ ही निकालता हूँ तो कुछ डालता भी तो हूँ। मोहसिन, इन्हें चौधरी ने खेत कट्टा सलाई काम करने ने। मेरे नाद उत्ते जिहड़ी सलाई मशीन हैगी सी उह वेच के ते सिंध बाद चला गया झूठे लैण लई। बाबा तुमने भी तो बेवा की मशीन लेने के लिए अपना खामा आटे वाली पेटी में छुपाया हुआ था। सर मैं एक जगह पढ़ रहा था वैसे कि राय जो है वो ब्राह्मण के साथ लिखा जाना शुरू किया गया था पहली बार, तो बेसिकली इसकी क्या तारीख है सर?
बेसिकली राय जो है ना, एक तो राजपूत से, राजपूत के आगे छोटी कास्ट है राय, राणा, राव, ये सारे। दूसरा ये भी है कि ये अंग्रेज, उन्होंने टाइटल दिए थे। अंग्रेज बड़ा समझदार था, उसने कहा जी हर बंदा बैठ नहीं सकता दफ्तर में, उसको कुर्सी नशीन का एक डीसी सर्टिफिकेट देता था। अच्छा, फिर क्यों कुर्सी पे राजी नहीं हुआ, जरा बड़ा वो था असर रसूख वाला, उसको पैसे देते थे। तो राय को मिलते थे 250 रुपए प्लस कुर्सी पे बैठने की इजाजत थी। जैसे ये लंबरदार है, जिलेदार है, इस तरह का चौधरी भी एक टाइटल है बेसिकली, मुकदम है, चौकीदार है, इस तरह राय भी एक टाइटल है। ओके ओके, इट वाज अ टाइटल। ओके, आ सुनी साडी बायो ऑटोग्राफी जी, सॉरी साहब, मैंने सुनी आपकी ऑटोबायोग्राफी। यस।